गाइस, क्या आप YouTube का ऑटो प्ले फीचर्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान में हो? उसमें आपका MB बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो रहा है। वही डाटा फ्लो को रोकने के लिए आप YouTube का ऑटो प्ले ऑप्शन को बंद करना चाहते हो, लेकिन आप बंद नहीं कर पा रहे हैं। हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो? फिर से एक नया वीडियो आपको स्वागत करती हूँ। गाइस, जैसे कि मैंने पहले बताया कि YouTube का ऑटो प्ले ऑप्शन को बंद कैसे कर सकते हो, वो चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे डिटेल मैं दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो को इसलिए बोल रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखना है। एंड ये देखिए, वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो रहा है, ठीक है। इसमें आपका डाटा बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो जाता है जल्दी, ठीक है। सो ये ऑटो प्ले को बंद करने के लिए आपको सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ से जो एंड यहाँ से सिंपली जो सेटिंग दिखाई दे रहा है, सेटिंग के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसके बाद यहाँ ऑटो प्ले, तो ये जब देख सकते हो यहाँ दो ऑप्शन था, मतलब पुराना वर्सन में, ठीक है। लेकिन आप YouTube का अपडेट करने के बाद ये एक ऑप्शन दिया गया है, होम पेज में जो वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो रहा है उसका बंद करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन वही उसको बंद कर सकते हो। सो गाइस, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। गाइस, अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नया हो मतलब इस थोपड़े को पहली बार देख रहे हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना, जिसकी मदद से ऐसा वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। एंड गाइस, उसके साथ साथ आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहीं से जाकर मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, चलो स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा देते हैं यूट्यूब का ऑटो प्ले ऑप्शन को कैसे बंद कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको यूट्यूब जो दिखाई दे रहा है इस यूट्यूब के ऊपर सिंपली प्रेस करके रखना है, एंड यहाँ से जो इन्फो यूट्यूब इन्फो के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद इस तरह के विंडो आएंगे, एंड यहाँ से जो 3 डॉट दिखाई दे रहा है इस 3 डॉट के ऊपर जाना पड़ेगा, एंड यहाँ से आपको अनइंस्टॉल अपडेट, ठीक है। सो इसको अनइंस्टॉल कर देना है, फिर से एंड यहाँ से सेटिंग के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है, एंड फिर से ऑटो प्ले ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ आप देख सकते हो दो ऑप्शन आ चुका है, एंड यहाँ से ऑटो प्ले को इसको सिंपली बंद कर देना है, ठीक है। सो बंद करने के बाद आपको चलो दिखा देते हैं ऑटो प्ले हो रहा है कि नहीं, ठीक है। सो यहाँ इसको रख देते, तो वैसे आप देख सकते हो कि वीडियो ऑटोमेटिक प्ले नहीं हो रहा है। तो वैसे इस तरीके से आप वीडियो को मतलब ऑटो प्ले ऑप्शन को बंद कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस, यूट्यूब का ऑटो प्ले ऑप्शन को ऑफ कर देने के बाद आप यूट्यूब का फिर से अपडेट कर लेना, क्योंकि एक बार इसको बंद करके अपडेट करोगे तो आपका ऑटो प्ले ऑप्शन बंद ही रहेगा, ठीक है। मतलब आप नया वर्सन यूज़ भी कर सकते हो और इसको भी जो ऑफ करके रख सकते हो। कैसा लगा कमेंट करके डेफिनेटली बताना, एंड मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वहीं से जाकर मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना, ठीक है। एंड गाइस, अब अभी के लिए गुड बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।